माता की, भारत माता की, भारत माता की। दो दिन पहले मैं बनारस में था, वहां जो माहौल बना, जिस प्रकार से काशीवासियों ने लोकतंत्र का उत्सव मनाया, और स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री वहां नामांकन लेने गए थे तो जरा मीडिया वालों का भी ध्यान ज्यादा रहता है। लेकिन सवाल काशी का नहीं है, हिंदुस्तान के हर कोने में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और अटक से कटक तक, सब दूर यही उमंग है, यही उत्सव है। और लोकतंत्र की क्या ताकत है उस पर दुनिया का ध्यान गया है। और मैं पहली बार देख रहा हूं कि दुनिया के अखबारों में पहले पेज पर भारत के लोकतंत्र के उत्सव की खबरें छाई हुई हैं। भारत के भाई, आपका आप बैठिए और एक बार भी खड़े नहीं होंगे आप। भारत की पहचान, भारत का महात्म्य दुनिया के लिए भी कितना महत्व रखता है, इसका ये परिचय है। दुनिया देख रही है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी एनडीए हमारे सभी साथियों पर है। और जहां भी जाते हैं एक ही स्वर सुनाई देता है, एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही संकल्प चारों तरफ लेकर के लोग चल रहे हैं, और वो है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाई और बहनों, आखिर दुनिया को ये विश्वास कैसे है? ये रातों रात तो नहीं हुआ है। दुनिया ये जन समर्थन देख रही है, आपका प्रेम और आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह दुनिया को अचरज कर रहा है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों को मोदी की गारंटी पर कितना भरोसा है। साथियों, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण सीएए कानून है। सीएए कानून है, और आपने देखा होगा कल ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। पहले लॉट को ऑलरेडी नागरिकता दी गई, और ये सभी भाई बहन, हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, और ये वो लोग हैं
जो शरणार्थी बनकर के लंबे अरसे से हमारे देश में रह रहे हैं, ये वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर हुए भारत के बंटवारे का शिकार हुए थे। और मजा देखिए, ये महात्मा गांधी का नाम लेकर के सत्ता की सीढ़ियां तो चढ़ जाते हैं लेकिन महात्मा गांधी की बातों को याद नहीं रखते हैं। खुद महात्मा गांधी ने भरोसा दिया था कि वो कभी भी भारत आ सकते हैं। 70 वर्षों में हजारों परिवार प्रताड़ना झेल करके अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाने के लिए मजबूरन मुसीबत के मारे भारत मां की कोख में आकर के शरण लिया। लेकिन कांग्रेस ने इनकी कभी सूद नहीं ली, क्योंकि ये कांग्रेस के वोट बैंक नहीं थे। और ये लोग कौन है? ज्यादातर इसमें मेरे दलित भाई बहन है, मेरे ओबीसी समाज के भाई बहन है, मेरे पिछड़े भाई बहन है। और इसलिए इन पर वहां तो जुल्म हुआ ही हुआ, वोट बैंक के राजनीति में डूबे हुए यहां के कांग्रेस की सरकारों ने भी और उनके साथियों ने भी इन पर जुल्म करने में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन यहां सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों ने इनके साथ क्या किया? इन्होंने सीएए के नाम पर ऐसा झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया, ऐसा झूठ चलाया। सपा कांग्रेस जैसे दलों ने यूपी सहित पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने का भरपूर प्रयास किया। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीए को खत्म कर सके? ये देश की जनता जान गई है, देश का हर नागरिक जान गया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके हिंदू मुसलमान को लड़ा लड़ा करके और सेक्युलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है, ये आपका नकाब। आप डोंगी है, आप सांप्रदायिक है, आपने देश को 7 दशक तक संप्रदाय की आग में जूझने के लिए मजबूर कर दिया है। साफ, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है। देश विदेश कहीं से भी जो भी ताकत इकट्ठी कर लिए कर लो, मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो। आप सीएए नहीं मिटा पाओगे। कश्मीर की धरती पर आतंकी धमाका कर दें, न जाने कब पत्थरबाजी हो जाए
और न जाने कब बुरी खबर आ जाए, कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन मोदी ने कश्मीर में शांति की गारंटी दी थी, मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी, 370 की दीवार गिराई। पहले वहां चुनाव आते थे तो हड़तालें होती थी, मतदान करने वालों को मौत की मुसीबत आ जाती थी, आतंकी धमकी देते थे। लेकिन इस बार श्रीनगर में पिछले अनेक चुनावों के रिकॉर्ड टूट गए। भाइयों साथियों, ऐसा काम वही कर सकता है जिसके रग रग में राष्ट्र प्रथम का संकल्प बह रहा हो। आप याद करिए, 10 साल पहले देश में एक सामान्य व्यक्ति की सुरक्षा भगवान भरोसे होती थी, कभी बम धमाके, कभी आतंक, कभी स्लीपर सेल, कभी दंगे, और आजमगढ़ की तो पहचान ही बदल दी गई थी। न जाने किस किस नाम से आजमगढ़ को बुलाया जाता था, कितना बदनाम करके छोड़ा था। देश में कहीं भी धमाके होते थे तो सबसे पहले लोगों का ध्यान आजमगढ़ की तरफ जाता था, लोग आजमगढ़ की चर्चा करते थे। और तब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार आजमगढ़ की प्रतिष्ठा के लिए न कुछ सोचती थी न कुछ करती थी। तब सपा के शहजादे आतंक के समर्थन में दंगाइयों का सम्मान करते थे, धमाके करने वाले आतंकियों को छोड़ा जाता था, स्लीपर सेल्स को राजनीति का कवर दिया जाता था। इसी रवैये के कारण देश भर में आतंकवाद फला फूला, अनेक माताओं को अपने बच्चों को बर्बाद होते देखा, और इन लोगों तो आज भी ऐसा ही रवैया है। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस दल दो है लेकिन दुकान एक ही है।